जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। तो दोस्तों, हिंदू धर्म के मानने वाले हर व्यक्ति को मालूम ही होगा कि सप्ताह का प्रत्येक दिन किसी न किसी देवता को समर्पित माना गया है और हनुमान जी की आराधना के लिए मंगलवार का दिन विशेष रूप से हनुमान जी को समर्पित माना जाता है। मंगलवार का दिन हनुमान जी को इसलिए समर्पित माना जाता है क्योंकि मंगलवार के दिन ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। मंगलवार के दिन महावीर हनुमान जी की पूजा की जाती है, यह तो सर्वविदित है। और दोस्तों, इसी तरह आप सभी जानते हैं कि शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित किया गया है। यह दिन यानी कि शनिवार का दिन शनि को मनाने का दिन माना जाता है। लेकिन दोस्तों, मंगलवार के अलावा शनिवार का दिन भी हनुमान जी की पूजा के लिए विशेष दिन माना गया है। तो क्या आप जानते हैं कि शनिवार के दिन भी हनुमान जी की पूजा क्यों विशेष मानी गई है, क्यों शनिवार का दिन हनुमान जी की आराधना के लिए उपयुक्त माना गया है? यदि आप नहीं जानते हैं तो पूरा वीडियो देखिए, छोटा सा वीडियो है। और आज इस वीडियो में हम आपके साथ यही जानकारी शेयर करने जा रहे हैं कि आखिर क्यों शनिवार का दिन भी हनुमान जी की पूजा का दिन माना गया है। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं हनुमान जी की आराधना, हनुमान जी की पूजा शनिवार के दिन करने से क्या फल प्राप्त होता है। दोस्तों, वीरों के वीर महाबली बजरंगबली हनुमान जी आदि अनादि देवों के देव शिव के 11वें अवतार माने जाते हैं। हनुमान जी की माता अंजनी ऋषि गौतम और अहिल्या की पुत्री थी और हनुमान जी के पिता श्री केसरी जी थे जो कि सुमेरु पर्वत के राजा थे। ये सारी जानकारी आप सभी लोगों को होगी ही होगी। मंगलवार के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ, इसलिए मंगलवार का दिन हनुमान जी का दिन माना गया। और इस दिन भक्त श्रद्धालु मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, हनुमान चालीसा का सुंदरकांड का पाठ करते हैं, दीपदान करते हैं और हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं। लेकिन शनिवार का दिन भी विशेष है और इसके पीछे एक कहानी है, एक घटना है। दोस्तों, यह घटना है रामायण काल की। आप सभी लोगों को विदित ही होगा कि श्री हनुमान जी माता सीता का पता लगाने के लिए लंका जाते हैं, लंका में छलांग लगाते हैं, समुद्र लांग कर लंका पहुंचते हैं। जब हनुमान जी माता सीता की खोज कर रहे होते हैं तो लंका में उन्हें शनिदेव उल्टे लटके दिखाई देते हैं। हनुमान जी शनिदेव से पूछते हैं, महाराज आप यहाँ ऐसे उल्टे क्यों लटके हुए हैं और आप कौन हैं? कारण पूछने पर शनिदेव हनुमान जी को बताते हैं कि वो सूर्य पुत्र शनि है और रावण ने अपने योग बल से, अपनी शक्ति से उन्हें यहाँ पर लंका में कैद करके रखा हुआ है। तब हनुमान जी शनिदेव को रावण के कारागार से, रावण की कैद से मुक्त कराते हैं, आज़ाद कराते हैं। रावण की कैद से आज़ाद हुए शनिदेव हनुमान जी से बेहद प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर शनिदेव हनुमान जी से वर मांगने के लिए कहते हैं। तब हनुमान जी कहते हैं कि शनिदेव आप मुझे वर दीजिए, मुझे वचन दीजिए कि कलयुग में जो भी व्यक्ति, जो भी मानव मेरी आराधना करेगा उसे आप अपनी दृष्टि से कभी भी अशुभ फल नहीं देंगे। तब शनिदेव कहते हैं, कलयुग में जो भी भक्त शनिवार के दिन आपकी आराधना करेगा, आपकी पूजा करेगा, आपको दीप दान करेगा, उसे शनि के अशुभ प्रभावों से अवश्य ही मुक्ति मिलेगी। यदि कोई व्यक्ति शनि दोषों से पीड़ित है तो उसे शनि को शांत करने के लिए, शनिदेव के प्रकोप से बचने के लिए शनिवार के दिन हनुमान जी की आराधना अवश्य ही करनी चाहिए और शनि को एक दीप दान अवश्य करना चाहिए। शनि की चीज़ें जैसे कि सरसों का तेल, लोहा, काली वस्तुएं, काले वस्त्र, कंबल, कोयला, काली उड़द, काले तिल, काले कपड़े इत्यादि शनिवार के दिन किसी गरीब व्यक्ति को अवश्य ही दान करने चाहिए। तो इस तरह से शनिवार का दिन भी हनुमान जी की आराधना का विशेष दिन बन जाता है और भक्तगण शनिवार के दिन भी हनुमान जी का पूजन करने लगते हैं। यह भी माना गया है कि शनिवार के दिन आपको हनुमान मंदिर में जाकर, हनुमान जी के मंदिर में जाकर एक दीपक अवश्य ही जलाकर आना चाहिए और साथ ही साथ किसी शनि मंदिर में जाकर वहां भी आपको एक दीपक अवश्य ही जलाकर आना चाहिए। ऐसा करने से शनि के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं। शनि और हनुमान जी के शुभ प्रभाव से ऐसा व्यक्ति अपनी जिंदगी में तेजी से आगे बढ़ता है, उसकी किस्मत चमकने लगती है। तो आप भी शनिवार के दिन अवश्य ही किसी हनुमान मंदिर में जाकर, शनिदेव के मंदिर में जाकर एक दीपक अवश्य ही जलाकर आएं और उसके निमित्त कुछ न कुछ दान अवश्य करें। तो बस
इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। आशा है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक के बटन पर अवश्य क्लिक कीजिए। और हाँ दोस्तों, यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोज़ की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहती है। तो कृपया सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करने के तुरंत बाद घंटी के बटन पर भी अवश्य क्लिक कीजिए, तभी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारे नए अपलोड्स की जानकारी आपको दी जाएगी। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान, जय शनिदेव।